और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न आपको मिलेंगे। आप कितने प्रश्न सही करते हैं कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विकास भट्टाचार्य की चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन है। विकास भट्टाचार्य को 1971 और 1972 में ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों को तोड़ता है, क्या होता है? उसको कहते हैं हाफ टोन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है? तो इम्पेस्टो तकनीक जो है वो चित्रकला से संबंधित है। इस तकनीक में तेल रहित गाढ़े रंगों को चौड़े ब्रश से लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, प्रदोष दास गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 5। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आसित कुमार हल्दार। इनकी नियुक्त हुई थी 1928 में इनकी नियुक्त हुई थी हल्दार जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बनारस घाट चित्र श्रृंखला किसके द्वारा रचित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राम कुमार के द्वारा। बनारस घाट चित्र श्रृंखला राम कुमार ने चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 7। मृत सैया पर शाहजहाँ नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी और महत्वपूर्ण कृतियां हैं सूर्य पूजा, आलमगीर, भिक्षा, भारत माता, देवदासी और कजरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। गीता कपूर कौन है? तो गीता कपूर समीक्षक तथा कला इतिहासकार हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संस्कृति में प्रचलित मंगल प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 10। सैंधो सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटैलियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 12। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 13। जख्म नामक शीर्षक के रचयिता कौन हैं? तो जख्म नामक शीर्षक के रचनाकार हैं सोमनाथ होर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। अमूर्त प्रतिमा लैंड स्टैंड के मूर्तिकार कौन हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राम किंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 15। नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हल्दार ने। नंदलाल बोस के साथ असित कुमार हल्दार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष में हुआ? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17। लियोनार्डो द विंसी द्वारा प्रसिद्ध कृत मोनालिसा कब चित्रित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मोनालिसा जो कि बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो आप इसको पढ़े होंगे, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृत है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पियरो डेला फ्रांसिस्का। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, जियत्तो को। क्वेश्चन नंबर 20, नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होर्टी को किसने चित्रित किया? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जैक्स लुइस डेविड ने। क्वेश्चन नंबर 21, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन हैं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, राइफेल। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार राइफेल हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन हैं? तो द लास्ट जजमेंट के चित्रकार माइकल एंजेलो हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द वर्निंग जीराफ चित्र किसने बनाया? तो इसको बनाया डॉली ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्यमुखी किसने चित्रित किया? तो सूर्यमुखी का चित्र वान गो ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, वान गो के जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, गोथिक कला का उद्भव केंद्र कौन सा है? तो गोथिक कला का उद्भव केंद्र है इटली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, द गेस्ट ऑफ हेल ब्रांज में किसने बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोंदा ने। क्वेश्चन नंबर 28, ओरना का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र किसका है? तो ओरना का दफन संस्कार नामक विशाल चित्र कुर्बे का है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन व्यंग चित्रकार के रूप में विख्यात है? तो व्यंग चित्रकार के रूप में दोमिये विख्यात हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में कौन सी कृति संरक्षित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, गवर्निका। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विख्यात पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है? तो इटली में स्थित है, पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली में। क्वेश्चन नंबर 32, किसके प्रयास से 1919 में ज्यूरिख न्यूयॉर्क जर्मनी व फ्रांस में दादावाद आया? तो इसका सही विकल्प होगा पिकाविया। क्वेश्चन नंबर 33, डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो डेविड की संगमरमर की मूर्ति का निर्माण माइकल एंजेलो ने किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हॉर्स एंड राइडर किसकी कृत है? तो हॉर्स एंड राइडर जो कृत है वो मोरनी मारनी का है। क्वेश्चन नंबर 35, रोंदा की उस मूर्ति का नाम बताइए जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, डे एंड नाइट्स। क्वेश्चन नंबर 36, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? तो गोथिक कला का दूसरा नाम इच कला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इच कला कहाँ की कला से प्रभावित थी? तो इच कला जो है इटली की कला से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 38, रेम्ब्रांट और रूबेंस किस कला शैली के प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बोरोक कला शैली के। क्वेश्चन नंबर 39, किसने सिस्टीन चैपल की अंदरूनी छत के भित्ति चित्र को बनाए हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो ने। क्वेश्चन नंबर 40, पाप कला कहाँ पर पनपी? तो पाप कला जो है इंग्लैंड में पनपी, ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 14वीं शताब्दी के में पादुआ में बने भित्ति चित्र किस क्रांतिकारी चित्रकार ने बनाया? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जियोत्तो ने। क्वेश्चन नंबर 42, द थिंकर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रोंदा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व में प्रसिद्ध सफ़ेद संगमरमर की खान कहाँ पर है? तो विश्व में सफ़ेद संगमरमर की प्रसिद्ध खान जो है वो करारा इटली में है, कोई ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रभाववाद का पितामह किसे माना जाता है? तो उत्तर प्रभाववाद का पितामह पिकाविया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पाल सेजान कहाँ के थे? तो पाल सेजान जो थे वो फ्रांस के थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, पाल सेजान किस ढंग की आकृतियाँ बनाते थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ज्यामितीय। पाल सेजान जो थे आकृति बनाते ज्यामितीय। क्वेश्चन नंबर 47, पाल सेजान की नवीनता से किस वाद को सफलता मिली? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, घनवाद। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, द कार्ड
प्लेयर्स पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो पाल सेजान है। द कार्ड प्लेयर्स पेंटिंग के चित्रकार पाल सेजान है। क्वेश्चन नंबर 49, द ब्रदर पेंटिंग किसने बनाई? द ब्रदर्स पाल सेजान ने बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूट्स के पुत्रों का निधन की खबर किसकी कृत है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जाक दाविद। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, देगा का सबसे प्रमुख विषय क्या है? देगा का सबसे प्रमुख विषय है बैले नृत्य, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, स्कूल ऑफ एथेंस किसकी प्रमुख भित्ति चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, राइफेल। क्वेश्चन नंबर 53, राइफेल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो राइफेल ने जो कला की शिक्षा प्राप्त की पेरुजीनियो से। क्वेश्चन नंबर 54, लियोनार्डो दा विंसी की कौन सी पेंटिंग लुब्र संग्रहालय में सुरक्षित है? तो मोनालिसा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, राइफेल की प्रमुख पेंटिंग कौन सी है? तो राइफेल की जो प्रमुख पेंटिंग है वो है डांस फिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 56, पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? तो मोने को पेंटर ऑफ सीरीज से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मोने, पिसारो, सिसिली, देगा, रेम्बार किस वाद के प्रमुख कलाकार हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, प्रभाववाद के। क्वेश्चन नंबर 58, जाक दाविद द्वारा बनाई गई कौन सी कृति नवशास्त्रीय का प्रथम चित्र माना जाता है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, होरिसा का प्राण। क्वेश्चन नंबर 59, किस वाद का प्रमुख सिद्धांत समयावच्छेद था जिसके अनुसार वह भिन्न भिन्न समय के दृश्य प्रभावों को एक साथ चित्रित कर सकते थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भविष्यवाद। क्वेश्चन नंबर 60, सर्वोच्चवाद का उदय 1913 में कहाँ पर हुआ था? तो सर्वोच्चवाद का उदय जो हुआ था उस रूस मास्को में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, रोमांसवाद रोमांटिसिज्म शब्द का अनुवाद है जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द रोमा से हुई है, रोमा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रोमा शब्द का अर्थ होता है कथा। क्वेश्चन नंबर 62, रोमांसवादी चित्रकार ने सर्वश्रेष्ठ किसे माना, रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है? तो रोमांसवादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ देलक्रा को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा चित्रकार दो से अधिक विधाओं में पारंगत था? तो लियोनार्डो दा विंसी दो से अधिक विधाओं में पारंगत थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, साल्वाडोर डाली किस देश के थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 65, किस वाद को कला का दुश्मन कहा जाता है? तो दादावाद को कला का दुश्मन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना गंगेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस प्रश्न को आप एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, तो इस प्रश्न को आप जरा एक बार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, पुनरुत्थान स्कूल के चित्रकारों ने रेखाओं का अनुसरण किया परंतु वह किस कला के गौरव तक नहीं पहुंच सके? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अजंता की रेखाओं के गौरव तक वो नहीं पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 69, कैमरे का आविष्कार कब हुआ था? तो कैमरे का आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, ईवी हैवल के अतिरिक्त किस महान लेखक ने पुनर्जागृत आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आनंद कुमार स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 71, कला स्वदेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कला स्वदेशी नामक पुस्तक के रचयिता आनंद कुमार स्वामी है। क्वेश्चन नंबर 72, बंगाल स्कूल के कलाकार वास चित्रांकन के लिए वा धरातल के रूप में क्या प्रयुक्त करते थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कार्टिज पेपर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, हल्दार और बोस ने किस सन में बाघ की गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, 1910। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, पुनरुत्थान स्कूल के शैली ने प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों को किस तरह से अपनाया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आकृति चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 75, सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य सोलोमन की मार्गदर्शिता में कौन प्रयोग किए जिससे किसी दूसरी शैली को अपनाया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, डाडा शैली को। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, आकांक्षा का भाव प्रकट करती है, तो आकांक्षा का भाव प्रकट करती है लंबवत रेखा।
क्वेश्चन नंबर 77, क्षैतिज रेखा किस प्रकार के भाव को उत्पन्न करती है? तो क्षैतिज रेखा शांत भाव को उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक पीले रंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 79, श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो श्याम श्वेत वर्णों से चित्रण करने को वर्ण शून्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, तान के मुख्य भेद हैं? तो तान के मुख्य भेद प्रकाश, मध्यम प्रकाश, छाया, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर अपनी उनकी दासी रखेले गोपियाँ बन अभिनय तथा नृत्य करना उनका मुख्य मनोरंजन था, वह कौन सा राजा था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 82, जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मुगल शैली का। क्वेश्चन नंबर 83, जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? तो जयपुर शैली में हरे रंग की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, कछवाहा शैली और ढूंढाड़ शैली को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली को कछवाहा शैली और ढूंढाड़ शैली के नाम से जानते हैं। जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश के द्वारा किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कछवाहा राजवंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 86, मुगल शैली की नींव किसने डाली? तो मुगल शैली की नींव डालने वाले हिमाऊ थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, किन दो शैलियों के मिश्रण से मुगल शैली का निर्माण होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हिंदू और ईरानी शैली। क्वेश्चन नंबर 88, ईरानी शैली की एक विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की जो विशेषता है वो आकृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 89, मुगल शैली में आलंकारिक डिजाइन के स्थान पर प्राकृतिक सफल प्रयास किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 90, ईरान शैली में किन साधनों का पालन हुआ है? तो ईरानी शैली में जो पालन हुआ है वो प्रकाश और अंधेरे का। क्वेश्चन नंबर 90 का सी सही हो जाएगा। 91 देखते हैं, मुगल शैली की को जो वातावरण मिला वह सर्वथा क्या था? वह सर्वथा भारतीय था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल शैली के चित्र प्रधान थे, तो मुगल शैली के चित्र जो प्रधान हैं वो कथा प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 93, मुगल शैली के कपड़ों पर बने हुए चित्रों का सामान्य विधान था? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 94, फारसी या ईरानी शैली स्वयं में मिश्रण थी? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, भारतीय कला। क्वेश्चन नंबर 95, लाल गुआ मंदिर किसको समर्पित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिव को। क्वेश्चन नंबर 96, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन नंबर 97, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? तो 10 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 98, एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है वह स्थान का नाम बताइए? उस स्थान का नाम है धारापुरी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है? तो एलिफेंटा गुफा जो समुद्र से घिरी है वो चारों ओर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 129x130 फीट में। क्वेश्चन नंबर 101, एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ था? तो एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102, पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत हानि पहुंचाई किस शताब्दी में? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 16वीं शताब्दी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर खड़ी एक बड़ी मूर्ति किसकी है? हाथी की है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति किसकी है? तो एलिफेंटा में एक प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो है भगवान शिव की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, भगवान शिव की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है? तो भगवान शिव की मूर्ति को दिया गया है त्रिमूर्ति नाम। क्वेश्चन नंबर 106, जनन रक्षा संहार तीनों रूपों के द्योतक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो त्रिमूर्ति की लंबाई चौड़ाई जो मानी गई है वो 24x17 फीट है। क्वेश्चन नंबर 108, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में भाव झलकते हैं
तो सौम्यता के भाव झलकते हैं। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा में सौम्यता के भाव झलकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, एलिफेंटा की मूर्तकला उपनिषदों में बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, यह कथन किसका है? तो ईवी हेवेल का है। ये कथन जो है वो ईवी हेवेल का है। ईवी हेवेल ने कहा था एलिफेंटा की मूर्तकला उपनिषदों के बुद्धवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। क्वेश्चन नंबर 110, कांचीपुरम के भित्ति चित्रों के अवशेष की खोज किसने की थी? तो कांचीपुरम के भित्ति चित्रों की खोज जो किया था वो प्रोफेसर दुर्बिल ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं किसके समय में पूछा जा रहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा, सॉरी, कांचीपुरम के कैलाश मंदिर में भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं तो सोम और शिव पार्वती के, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी भी था। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मैक्स एर्नर्ट। क्वेश्चन नंबर 113, प्रसिद्ध विद्वान लेखक ओपोलिनेर किसे घनवाद का जनक मानते हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कुर्बे को। क्वेश्चन नंबर 114, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 115, विक्रमशिला महाविहार बिहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पाल वंश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय भारतीय कला का प्रमुख धरोहर था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चोल शासन के समय। क्वेश्चन नंबर 117, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भागवत। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सोना। सोना जो है लोथल से नहीं प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 120, लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार के जीवनी पर आधारित है? तो वान गॉग, ऑप्शन बी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एम एफ हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आधुनिक। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 123, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अलवर शैली। क्वेश्चन नंबर 124, अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125, अल्तामीरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, स्पेन में। अल्तामीरा की गुफा स्पेन में स्थित है। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।